मतलब यहाँ पे भी जो है ना अनप्रोफेशनल लोग नहीं होने चाहिए काम को लेके। हमारे बहुत अनप्रोफेशनल एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं हमारे पास, वो बोलेंगे आपको रात को बोल देंगे मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता कई बार मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया था, मैं ये गरिमा के शोज कर रहा था लापता और चिड़िया वगैरह, ऐसी ऐसी एक्ट्रेस है रात को 2 बजे फ़ोन करके बोल देती है मैं कल सुबह नहीं आ पाऊँगी। और वो सीरियल की शूटिंग जो होती है ना वो ऐसी नहीं होती फिल्म की कि वो 2 साल बाद दिवाली पे रिलीज होती है अगले साल, तो परसों का टेलीकास्ट होता है, अब रात को 2 बजे को फ़ोन करके बोलते मैं नहीं आ पाऊँगी। मैं दीपक गौतम और आज दो शख्सियत को आपके बीच लेके आया हूँ। सबसे पहले हैं प्रेम शर्मा जी, ये देख लीजिए, इनसे तो हम पहले मिल चुके हैं, 1.5 घंटे लगभग हमने बातचीत की थी, पूरी जर्नी को इनको जाना था, लेकिन उसी जर्नी में एक बहुत नाम जो चल रहा था मनोज शर्मा और दूसरा गौरव शर्मा जी, मनोज शर्मा जी तो हमारे बीच नहीं है लेकिन जो गौरव शर्मा जी का नाम चल रहा था वो गौरव शर्मा जी ये हैं। गौरव सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो प्रेम सर सबसे पहले आप ही मिला दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि क्या है सर और क्या करते हैं इंडस्ट्री में। देखिए पहले मेरी मुलाकात हुई थी और पहले इंटरव्यू में मैंने जो भी 2 नाम लिए थे जी उनमें से जो फिल्म लाइन में देखो मेरे को जो आगे लाने वाले और जहाँ से मेरा करियर चालू हुआ था जी वो मेरा गौरव शर्मा जी से हुआ था। और गौरव शर्मा जी से जब मेरा इंटरव्यू क्या जब भी मेरी बातचीत हुई या मैं उनसे जाके मिला तो मेरे को ऐसा लगा जैसे एक अपनापन होता है जी। जैसे ये लगा कि हाँ यानी लोग बाग फिल्म लाइन में होते हैं, मैंने सुना है कि धोखेबाज भी होते हैं, ऐसे वैसे होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, पर वहाँ पर मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो जेन्युइन था, जो मुझे यानी कि एक यानी हम सोचते हैं ना जैसे कोई कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है जी तो उसमें क्या वो ये सोचता है यार कि मैं फिल्म लाइन में जाऊँगा काम करूँगा, बड़ी इतनी आसानी से काम नहीं मिल पाता, बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर मेरे लाइफ में कुछ यानी कि कुछ अच्छा ऐसा रहा कि जिससे मेरे को यानी कि लाइनें मिलती चली गई। अब जैसे गौरव जी मेरे जो बगल में बैठे हुए हैं, बाकी तो मैं उनके सामने क्या बोलूँगा वो खुद ही बताएंगे हाँ क्या रहा था कैसा रहा था। तो गौरव शर्मा सर बाकी चीज़ें आपकी जानेंगे लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब प्रेम शर्मा सर आपसे मिले तो कैसा बॉन्ड है उनके साथ आपका और जब पहली मुलाकात हुई तो वो कैसा था और क्या रहा? देखिए क्या होता है ज़िंदगी में जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो पता नहीं होता वो रिलेशन कहाँ तक जाएगा ये कैसा रहेगा जी। मैं शूटिंग कर रहा था हरिद्वार में जी, हर की पौड़ी पे, शो का नाम था चिड़ियाघर जी, सब टीवी के लिए। तो जैसे आम लोग होते हैं वहाँ पे भीड़ होती है, शूटिंग देख रही होती है, तो वहाँ पे ये प्रेम और इनके दोस्त थे वहाँ पे शूटिंग देख रहे थे वहाँ पे जी। हम लोग इतना बिजी थे वहाँ पे क्योंकि हमें ऐसी जो लोकेशन होती है वो हैक्टिक होती है, वहाँ पे शूटिंग की परमिशन आपको 2 या 3 घंटे के लिए मिलती है और उसमें सब लोगों से मिलना या किसी का सुनना, अपना काम ख़त्म करना पहली प्रायोरिटी रहती है जी बिल्कुल। बट प्रेम वहाँ आए तो इन्होंने मेरे से पूछा कि सर कुछ काम मिल सकता है क्या, मैं भी मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था बट मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप एक बार मुंबई आना अगर आपको सीरियसली एक्टिंग करनी है तो इतना ही शब्द मैं इनको बोल पाया था और इनको मैंने अपना नंबर दे दिया था क्योंकि वहाँ पे मैं एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था तो सारी चीज़ अरेंज किस टाइम शूटिंग ख़त्म करनी है, पुलिस की परमिशन 3 घंटे की है, वो सब देखना था। उसके बाद ये पहली मुलाकात थी, उसके बाद ये जब मुंबई आए तो वहाँ आके मिले, पहले इन्होंने फ़ोन किया तो मैं बिज़ी था तो ये, उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात हुई ऑडिशन के दौरान जी। नहीं और मैं वहाँ की बात बताऊँगा हरिद्वार की हाँ। जब ऐसा होता है ना कि जब शेड्यूल चल रहा होता है तो रियल में यानी कि जो भी फिल्म लाइन का क्या था हमको इतना नॉलेज नहीं थी इधर, एक ये था कि छोटे मोटे हम काम कर चुके थे, ये नहीं था कि हाँ भाई के बड़े काम में कितना यानी कि भाग दौड़ रहती है, कितनी यानी कि जिम्मेदारियाँ रहती हैं। हमें तो एक ही था कि हमें एक आर्टिस्ट बनना है यार कैसे भी करके, नहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा रास्ता मिल जाए हमें जाना ही जाना है। तो गौरव जी थे वहाँ पर, मैंने गौरव जी से बोला, गौरव जी ने बोला कि आपने पहले क्या किया है, मैंने किया है अपने उत्तराखंड के छोटे मोटे काम किए हैं जी बिल्कुल, बाकी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, आर्टिस्ट कार्ड भी नहीं है मेरे पास। तो इन्होंने मेरे को बहुत दिलासा दिया वहाँ पर हरिद्वार में एक अपनेपन का कि बोले आप आओ और आके बॉम्बे मेरे से मिलो और मैं आपको जो भी मेरे लाइक और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो बात मेरे दिल में ऐसी चुभी कि यार आपको कुछ करना है तो मुझे लग रहा है कि बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। और इतना बड़ा बैनर था अश्वनी धीर जी का था वो जी और गौरव जी कर रहे थे तो पहले हमने वीनस की एल्बम की थी, अनूप जलोटा जी उसमें सिंगर थे हाँ, उसके बारे में भी आपने बताया था हाँ, तो फिर मैं नहीं वो जब ये हरिद्वार में जो कर रहे थे
तो वो उन्हीं का था, अश्वनी धीर जी का, वो गरिमा प्रोडक्शन हाउस का था। तो फिर मैं वहाँ पर, खैर यहाँ पर तो मेरे को काम नहीं मिला था, पर हाँ उसी चिड़ियाघर में मेरे को बॉम्बे जाके जरूर काम मिला, जो यानी कि गौरव जी वहाँ पर थे तो मैं बॉम्बे में गया। तो पहले तो हमने उसकी एल्बम करी थी, मामा जी कौन सी थी वो, मेरे मामा जी साईं के दर पे, हाँ, वो अनूप जलोटा उसमें सिंगर थे जी। तो उनकी एल्बम थी, वीडियो एल्बम। तो जब उस ये ज़माने की बात है, सीडीज होती थी, डीवीडीज होती थी जी, बिल्कुल, उसके लिए वीडियो एल्बम बनती थी। तो वो उसके लिए फिर उन्होंने पहली बार काम किया था। आप डिस्कशन कर रहे थे एज ए एजुकेटिव प्रोड्यूसर, क्या काम होता है एजुकेटिव प्रोड्यूसर का, क्योंकि सब लोग डायरेक्टर जानते हैं, प्रोड्यूसर जानते हैं और एक्टर जान गए, इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, लोग मेरे ख्याल से डीओपी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि डीओपी क्या होता है उनको, तो कैमरामैन समझ में आता है। तो एज एजुकेटिव प्रोड्यूसर उसका क्या डेफिनेशन होता है, क्या वर्क करता है वो, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं उसके ऊपर? देखिए एजुकेटिव प्रोड्यूसर जो है ना, वो देन है 2008 की बात की जी। 2008 से पहले क्या होता था, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते थे मैम, लेकिन अब इतना हेक्टिक हो गया, काम बढ़ गया, तो एजुकेटिव प्रोड्यूसर का मतलब ये हो गया कि वो आपको एक टीम बना के देगा जी। उसमें वो एक्टर्स होंगे, डायरेक्टर बताएगा मुझे एक्टर फाइनल करने हैं, तो एजुकेटिव प्रोड्यूसर एक्टर से बात करेगा, उनकी डेट की बात करेगा, शेड्यूलिंग करेगा, प्रोड्यूसर से बात करेगा कितना वो पैसे मांग रहे हैं, क्या फाइनेंस कर रहे हैं। तो अभी आजकल जो हो गया ना एजुकेटिव प्रोड्यूसर का मतलब, अब एजुकेटिव प्रोड्यूसर के बिना कोई काम हो नहीं सकता है, चाहे वो वेब सीरीज हो, एक तरीके से एजुकेटिव प्रोड्यूसर और क्रिएटिव जी, जो क्रिएटिव हेड होते हैं, ये दो ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टर के साथ ऑर्गेनाइज करना सारी चीज़ें, शेड्यूल कैसा रहेगा, कौन सा एक्टर कब फ्री है, कितने दिन फ्री है और कब तक हमारे पास रहने वाला है जी। फिर लोकेशन कैसी होगी, आप जैसे आप, हम तो अभी उत्तराखंड में हैं, बिल्कुल, अब मुझे उत्तराखंड में अगर शूटिंग करनी है तो मैं पहले यहाँ किसी कोऑर्डिनेटर को पकड़ूंगा, उसे मैं पूछूंगा कि भाई कितने सपोर्टिंग एक्टर मुझे चाहिए, मैं वो सब मुंबई से तो ला नहीं सकता हूँ, बिल्कुल सही, वो मैं यहीं से कोऑर्डिनेट करूंगा। मुझे लोकेशन चाहिए, मुझे किसी झील पर शूट करना है, मुझे 4 घंटे शूट करना है, 5 घंटे शूट करना है, तो उसकी परमिशन कोऑर्डिनेटर वगैरह से वो दिलवाना, वो सब काम एजुकेटिव प्रोड्यूसर का होता है। और प्रोजेक्ट बनने के बाद भी अगर आप कोई वेब सीरीज़ बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं आप, जब तक वो रिलीज़ नहीं हो रहा था, चाहे वो थिएटर में रिलीज़ हो फिल्म या आपकी वेब सीरीज़ हो, उसको बेचने तक जो काम है वो एजुकेटिव प्रोड्यूसर के साथ ही होता है। मतलब एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, उसके बाद एजुकेटिव प्रोड्यूसर, ये इस तरह काम है। सर आपकी बात बहुत सही समझ में आई, एक जो प्रोसेस है जिसको मैं भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेम सर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे काम करके अपने प्रोजेक्ट्स बना के शायद लैपटॉप या डब्बे में बंद रखे हुए हैं और रिलीज नहीं कर पाते, बहुत टास्क है और पेनफुल भी है। क्या प्रोसेस होता है कि लोगों के प्रोजेक्ट्स रिलीज नहीं हो पाते, क्योंकि आप बैठे हुए हैं तो आप इसे डिफाइन अच्छा कर पाएंगे? ये आजकल क्या कॉम्पिटिशन का ज़माना है जी, सबसे मेन बात जो है ना, कुछ अच्छे लोग घर बैठे रह जाते हैं, बिल्कुल, जो टैलेंटेड होते हैं, जो हमें पता नहीं होता। आप देखेंगे, आप बड़े बड़े आप कॉमेडी सर्कस देखते हैं जी, आप सोनी टीवी पे देखते हो कॉमेडी सर्कल, कितने सारे प्रोग्राम आते हैं उसमें, छोटे छोटे राइटरों के नाम आते हैं, वो तो एक्ट प्ले कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे राइटर हैं जिनको लोग नहीं जानते, तो वो राइटर उठ के आए हैं, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई बरेली से आया है, कोई दिल्ली से आया है, तो वो लोग वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं, स्ट्रगल उनका होता है वहाँ तक पहुँच जाना, और लिखने लगते हैं वहाँ के लिए। जैसे मैं एक शोभित है, एक राइटर है अभी, वो समझ लीजिए कृष्णा सुदेश, जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, कॉमेडियन जो हैं जी, वो उनके लिए लिखते हैं। वो मेरे से इंटर्नशिप पे थे मेरे साथ, जब मैं एजुकेटिव प्रोड्यूसर था वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, अब वो इतने बड़े राइटर बन गए हैं। तो वो जो होता है ना, एक तो एक लक का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल उसका, और बाकी फिर वही बात है कि आपका स्ट्रगल कैसा रहता है। और स्ट्रगल सबको पता है कि मुंबई जाके ही होगा जी। अब मैं आपसे बोल दूँ कि भाई आप मेरे से टच में रहिए उत्तराखंड में, आप 2 साल में राइटर बन जाएंगे, आप कितने भी बड़े राइटर हों, बिल्कुल, आप यहाँ रह के राइटिंग कर सकते हैं अच्छी, आप हो सकता है मुंबई रहने वाले से अच्छी राइटिंग कर दें, 10 टाइम बेटर राइटिंग कर दें, और उसका फ़ायदा आपको वहीं आके मिलेगा। जो स्ट्रगल का टाइम है ना, वो वहीं आएगा। और एक्चुअली स्ट्रगल के साथ साथ क्या होता है आजकल, अभी जैसे मैं अपनी लाइफ की बात करूं, तो मैं 2007 में मुंबई गया था, तो वहाँ पे मेरे लिए एक ही फ़ायदा था, मेरे मामा जी वहाँ डायरेक्टर थे वीनस में, वीनस कंपनी, अच्छे लेवल पे, हाँ वो वीडियो एल्बम वगैरह तो वहाँ बनाते थे, और एक दो उनकी फिल्म भी आ चुकी थी। तो उनके पास जब मैं गया वहाँ पे, तो उनसे मैंने सबसे मेन जो चीज़ सीखी, जो मुझे शायद अभी भी काम आ रही है, मेरे मरते तब तक काम आएगी, वो है टाइमिंग डिसिप्लिन काम को लेके। जब आप किसी कैप्टन के शिप होते हैं ना, डायरेक्टर होते हैं, आप टीम से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और आपको पता होता है, आपका क्लियर होता है। डायरेक्टर क्या होता है आजकल के डायरेक्टर आप देखेंगे ना, मैं नाम नहीं ले सकता, कैमरे पे इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, वो आएंगे, वो आधे घंटे ना स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद शॉट ढूंढते हैं, मैं शॉट कहाँ लगाऊँ, इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन वो उन डायरेक्टर में से हैं कि वो शॉट
वो एक दिन पहले कैमरा मैन के शॉट बता के चले जाएंगे कि कल मैं ये शॉट लेने वाला हूँ, उसके बाद सेकंड, उनका उन्हें पैकअप तक के लास्ट शॉट पता है। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं उनके साथ ही काम सीखा। काम सीखने के बाद मेरा जो स्ट्रगल काम सीखने के बाद शुरू हुआ है जी, बिल्कुल। मेरा ना उनके साथ जब तक मैं था स्ट्रगल नहीं था, मैं काम कर रहा था, एडवांटेज था। हाँ, मेरा एडवांटेज था, बड़े बड़े एक्टरों के साथ मैं उठ बैठ रहा था, उनसे बातें कर रहा था। मतलब मैं कैसे सदाशिव कपूर के साथ बैठ के बात कर सकता था जी। माइकल बटवा फिल्म आई थी भोजपुरी, इंद्र कुमार हीरो था, वो बहुत बड़ी, अभी तक की भोजपुरी सबसे बड़ी फिल्म थी, विनस कंपनी की फिल्म थी। तो मैं उनके साथ बैठा था, उनके साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहा था सबसे। उसके बाद जो मेरा स्ट्रगल चालू हुआ है ना, जब मैं उनसे मतलब अपने कम्फर्ट जोन में आने की कोशिश की मैंने, तो वो था कम्फर्ट। ये उस ज़माने की बात है आपकी 2007-08 की, जिस ज़माने में 15-16 घंटे नहीं, 20-22 घंटे शूटिंग होती थी जी। मतलब उस समय रूल नहीं बने होते, ये रूल बने 2011 के बाद से, कि आपके 12 घंटे की शिफ्ट होगी, शिफ्ट बढ़ गई तो पैसे मिल गए एक्स्ट्रा जी। ये उस समय की बात है जब 2007-08 में आपके सीरियल की शूटिंग, ये एकता कपूर के आप सीरियल देखते थे बालाजी के, मैं बालाजी के सीरियल करता था, मैं कहानी कर करके करता था, वो डायरेक्टर थे अनिल वी कुमार उसके। तो जब मैं वो शो करता था, हम सुबह 7 बजे शिफ्ट तो लगा लेते थे, अगले दिन 7 बजे घर जाते थे सुबह, कोई टाइमिंग नहीं होती थी कुछ नहीं। वो था मेरा स्ट्रगल था ना, मतलब 3-4 दिन मैं घर नहीं जा रहा हूँ अपने, मतलब मेरे को खाने का, मैं लंच जो है मैं रात को डिनर के टाइम पे कर रहा हूँ, रात का डिनर मैं कर रहा हूँ सुबह 4 बजे। वो होता है स्ट्रगल जो आपको वहीं जाके होगा। अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में दो इंडस्ट्री हैं जी, एक टॉलीवुड है, एक अपना वो है बॉलीवुड है। तो बॉलीवुड में तो आपको मुंबई में जाना पड़ेगा, और बाकी जैसे आप देख रहे हैं अभी कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई हैं। अभी जो टीवी शोज़ वगैरह हैं वो वहाँ नहीं आ रहे हैं, अब हैदराबाद में शूट हो रहा है, कोल्हापुर में शूट हो रही है, कंफर्ट जोन में चले गए। मुंबई में कोविड केसेस वगैरह जाते हैं, ये भी एक तरह का स्ट्रगल है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। अब मुंबई में हमारा कंफर्ट जोन हो गया ना, हम इतने सारे से स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ बन गए वहाँ पे, किसी के लिए हम प्रेरणा बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन अब हमारे स्ट्रगल अलग हो गया है कोविड के बाद से। जब हम कोल्हापुर वगैरह में जाते हैं अपने कम्फर्ट जोन से जब बाहर जाते हैं मुंबई छोड़ के, जैसे हम मुंबई में कोई हैदराबाद में सेट लग गया, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। मुश्किल इसलिए होती है कि हमें पता है मुंबई में मैं मीरा रोड में शूट कर रहा हूँ, मैं भाईंदर में शूट कर रहा हूँ, मुझे मेरे डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा चीज़ें कहाँ मिलेंगी जी। अब मैं कोल्हापुर पहुँच गया, हैदराबाद पहुँच गया, और भी अलग अलग सिटी पहुँच, सतारा में पहुँच गया, तो वहाँ पर वो चीज़ें ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो वो आजकल ना स्ट्रगल बढ़ गया, मतलब जितना समय आगे बढ़ता जा रहा है ना स्ट्रगल कम नहीं हो रहा है, वो अलग अलग रूप में सामने आ रहा है सबके लिए, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, डायरेक्टर है तो वो अलग, आप डायरेक्टर देखते हो कि भाई डायरेक्टर ज़्यादा टीवी पे नहीं आते जी, जी। टीवी शोज़ वगैरह के, आप जितने स्टार प्लस वगैरह के शोज़ आते हैं वो उनकी अलग लाइफ रहती है एक्टरों को लेके। बिल्कुल, आज हमारे जो एक्टर है ना जो टीवी सीरियल में काम करते हैं वो क्या करते हैं, एक एक शो नहीं करते हैं, दो दो तीन तीन शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अब मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका ये एक्टर 2 बजे तक है आपके पास। अब मैं डायरेक्टर के पास जाता हूँ कि सर वो 2 बजे तक एक्टर है, वो बोलता है यार 2 बजे तक है, मैं तो अपने पूरे दिन के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मेरे पास 9 बजे तक है, क्या करूँगा मैं, तो सर छोड़ना पड़ेगा, हमारी कंपनी का एक शो है वो कर रहा है। अरे यार, अब उस बेचारे की जो है टेंशन बढ़ जाती है, अब वो उसको सारी चीज़ों से मुश्किल करके उस एक्टर के पीछे लगना पड़ता है, मुझे इसका काम ख़त्म करना है। कभी वो ड्यूप लगाता है उसके लिए, आप देखते हैं एकता कपूर वगैरह के शूट जो आते हैं, मैं भी करता था आधे टाइम, हम शब्बीर आलूवालिया, बिल्कुल शब्बीर आलूवालिया, तो वो बेचारे इतने बिजी रहते थे, कुमकुम भाग्य वाले, हाँ कुमकुम भाग्य, ये तो अभी कुमकुम भाग्य, मैं तब की बता रहा हूँ आपको, जब ये शो आते थे कर्म अपना अपना, उस तरह के शो आते, कयामत, बाल लंबे लंबे, हाँ कयामत आता था शो, मैं कयामत शो करता था, उस समय बेचारे वो एक टाइम पे 3-3 शो कर रहे होते, तो वो ऐसे होते थे 3 शिफ्ट में काम कर रहे होते, 9 से 3 मेरे पास हैं, तो वो ईपी फोन करे, अरे गौरव शब्बीर भाई ना तेरे पास है 9 से 3, अरे अच्छा 3 से 6 तेरे पास हैं, हाँ 3 से 6 मेरे पास है, 6 से 9 कसौटी में है। तो यार वो तो मतलब बड़ा मुश्किल हो गया इतना अरेंज करना। तो स्ट्रगल बहुत तरह तरह के, आपके बनने के बाद भी स्ट्रगल है जी, ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ बन भी गया हूँ, अगर तो बन गया हूँ अपने लिए बनाऊँ मैं, लेकिन वो स्ट्रगल चल ही रही है, अभी तक चल रही है, सब कुछ चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और हमेशा मेरे को लगता है ये हम जिस देश में रहते हैं ना, जितनी आबादी में रहते हैं, ये स्ट्रगल बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली, कम होने वाली नहीं। सर आप एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, हर की पौड़ी में शूट कर रहे थे, सर से मुलाकात हुई, तो हजारों लोग से आप मिलते होंगे, सबको तो एंटरटेन नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा क्या कनेक्ट किया इन्होंने, या ऐसा क्या लगा आपकी इनको एंटरटेन कर रहे हैं, आपने एंटरटेन किया क्या है। हम जिस प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं उसका शो आता था लापतागंज चिड़ियाघर, हम आपके इन लोग बहुत सारे शोज आते थे उनके, तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे अश्विनी धीर, उनका एक ही रूल था कि किसी से ना आप खराब बात नहीं करोगे जी, प्रोडक्शन वाले आप, और झूठ भी नहीं बोलोगे कि भाई अब जैसे ये मिले
ये और इनके दोस्त मिले वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बोला कि ऐसे ऐसे हमें भी एक्टिंग करनी है। अब इनकी गट्स देखो, इतनी भीड़ में, 100 लोगों की भीड़ में इन्होंने हमें ढूंढ लिया वहाँ पे कि ये कुछ होगा, ये बोल रहा है कि आप साइड हो जाओ, जल्दी चलना है। डायरेक्टर को बोला, अरे सर ख़त्म करना है मुझे, काम करने जाना है। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हमसे बात भी कर ली, एक डेढ़ मिनट बात भी कर ली। फिर हमें इन्हें बोल भी दिया कि देखो, अगर आप एक्टिंग वाकई में सीरियसली एक्टिंग करना तो आपको मुंबई आना पड़ेगा, वहाँ आपको अपने प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस दे दिया, एक्टिंग वैक्टिंग कर लो, देखते हैं ऑडिशन लेने के बाद भाई आप में कितना दम है। एक गट्स तो ये हो गई, और दूसरी गट्स ये हो गई कि 4 दिन बाद ये आ भी गए। हमें तो सबसे अच्छे से बात करनी पड़ती है। देखिए ये ना बदतमीज जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए बदतमीजी करते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। कि कोई एक्टर, बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ बदतमीजी करते हैं, वो पूछने के लिए आया है सेट पे कि भाई मेरे को भी सर एक्टिंग करनी है, अरे चल यार हट यहाँ से। फिर पता है ऐसे एक्टर करते करते कौन नवाजुद्दीन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, पता थोड़ी होता है। जी बिल्कुल। और खाली उनको बनाने के लिए नहीं कि वो बन जाएगा इसलिए इसको नहीं, ऐसे नहीं बोलना। किसी भी व्यक्ति से कभी भी खराब बात नहीं करनी। हरिद्वार में शूटिंग कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोग हमें पौवा पी के पड़े होते हैं वहाँ नीचे, सर हमें भी एक्टिंग करनी है, तो वो उनको भी बोलना पड़ा, भाई तेरे अंदर दम है तो आ जाए यार वहाँ पे, अगर होगा तो तू कर लेगा, होगा तो लपेट लेगा। अभी भाई साहब जो है वहाँ पर मेरे ख्याल से हफ्ते भर बाद वहाँ पहुँच गए थे, जब तक हम भी पहुँचे वहाँ थके आ रहे शूटिंग ख़त्म करके, और करने के बाद ये वहाँ पर आए। तो जब ये आए तो पहले, क्योंकि इनकी शक्ल ऐसी इनको पहचानने में जल्दी आ जाते हैं, ये रेयर केस है। हाँ तो ये एक रेयर केस है। अभी आम आदमी हो पतला दुबला सा तो बोलेंगे अच्छा वहाँ मिले थे, इनको देख कर अरे तुम तो वहीं मिले थे, और चिड़ियाघर जैसा शो कर रहे थे। हाँ तो कहीं ना कहीं उधर से भी करेक्ट। उस समय चिड़ियाघर में एक स्टोरी चल रही थी, नागिन का किडनैप, डाकू नागिन को किडनैप कर लेते हैं, जो गधा प्रसाद की बीवी होती है। तो वहाँ पर डाकू की ज़रूरत थी, तो छोटा सा इन्होंने ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन से पहले ही तो डाकू के लुक में आ गए, इनकी पगड़ी वगड़ी लगाई गई, और उन्होंने कुछ लाइनें भी ऐसी बोल दी जिससे ये साबित हो गया कि थोड़ी बहुत एक्टिंग कर सकते हैं। देखो कोई भी एक्टर जो है पेट से सीख के तो आता नहीं, बिल्कुल सही बात है, पॉलिश होते हैं तो करते हैं। अब और तब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनके अंदर, कि जब भी तब कर रहे थे कि कितने आदमी थे, अरे कोई आदमी आदमी नहीं थे, हम ही हैं तुम्हारे। लेकिन अब आप इससे बोलोगे तो उसको अलग तरीके से वेरिएशन करेगा। उस समय जो स्ट्रगल एक्टर होता है ना, वो एक ही तरह की एक्टिंग कर पाता है, लेकिन आप उससे बोलोगे कि भाई आप ये, आपको ये लाइनें बोलनी है, वो सोचेगा यार मैं इसको उस तरीके से बोलूँ उस तरीके से बोलूँ, वो पॉलिश हो जाता है कैरेक्टर। और उस समय ये जेन्युइन थे, जो थे वो थे। हाँ मतलब एक एक्टर तब दिल का साफ था, जो था मतलब दिल का सलमान था तब, तो अब जो है वही है। लेकिन हमारी इनसे जो है ना, वो खाली वहाँ तक सीमित नहीं रही वहाँ पे। सच तो ये कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि दोस्त इस, और दोस्त कोई ऐसे दोस्त नहीं, फैमिली फ्रेंड है। मतलब मेरे यहाँ सिस्टर की शादी होती है, इनका कुछ होता है तो मैं आता हूँ, ये आते हैं, और हमारे रेगुलर बात काम के लिए, एक होती काम की दोस्ती है। हाँ। कि हमेशा कि अरे गौरव भाई यार ये ख़त्म हो गया, कुछ और बताना। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ख़त्म हो गया। उन्होंने पूछा कि मैं घर जाऊँ, मेरा काम है। हाँ यार जा, कुछ होगा तो बता दूंगा। वो होता है कि दोस्ती होती है। फिर मैंने फ़ोन किया, अरे प्रेम यार एक वो लापता गंज में ना, या किसी भी शो में तुम्हारी पाकी वाकी में कुछ कैरेक्टर निकल रहा है, वहाँ जाके देख रही हूँ। तो ठीक है भाई मैं कल आता हूँ, परसों आता हूँ, इतना टाइम है क्या? वो दोस्ती हो गई। अभी मुझे मतलब के लिए फ़ोन करते हैं। और जब आप, अब ऐसा होता है ना, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर था, चिड़ियाघर के टाइम तो मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, बट हमारा क्या होता है ना, हम पे रेगुलर काम नहीं होता है। कोई शो बंद जब होता है, तो कोई शो बंद हो जाता है, 6 महीने चला, साल भर चला, 2 साल चला, हम भी खाली होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो नए शो के लिए हम ऐसा तो नहीं कि स्ट्रगल करने जाएंगे, हम बैठे हैं अपने यहाँ पे, फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि भाई शो ख़त्म हो गया है तो दूसरा हो तो बताना है, काम कर रहे हैं। तो उस दौरान भी हम लोग एज ए फैमिली फ्रेंड मिलते थे, ना ही मुझे काम के लिए फ़ोन करते थे, मतलब हम काम से नहीं रिलेटेड थे। ये होता था कि अरे प्रेम वहाँ नैनीताल में या फलानी जगह शूटिंग के लिए पंजाब में तो आ रही है, मैं आता हूँ भाई। तो ये होती है एक दोस्ती जी, बिल्कुल चलती आ रही। अब हम कितने, हम 2 साल से हमने काम ही नहीं किया साथ में, क्योंकि हमारा काम बना नहीं। मतलब जैसा मुझे कोई करेक्टर चाहिए ऐसा कुछ है, मैं अभी बहुत सारी कोविड भी आ गया था बीच में, हमने 2 साल बहुत ज़्यादा बिजी रहे, सभी लोगों के लिए ख़राब रहा, तो हम नहीं रहे 2-3 साल से, बिल्कुल काम नहीं किया। इन्होंने एज एक्टर मेरे साथ कोई 2-3 साल से काम नहीं किया, लेकिन एज ए दोस्त बहुत काम किया है जी। बस वही होती है लाइफ। प्रेम शर्मा सर, ये तो सर का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप बताइए, जब आप पहली बार हरिद्वार में इनको आपने देखा और ये कह रहे थे चलो उधर चलो उधर चलो एक काम, तो आपको क्या दिख गया इनके अंदर कि आप पहुंच गए कि हाँ भाई साहब मैं हूँ एक्टर? ऐसा था ना कि जब देखो शूटिंग जब चल रही थी ना जी, तो जब हम शूटिंग देख रहे थे, शूटिंग देखने कम हम तो काम ही लेने गए थे। बिल्कुल। हम सोच रहे थे किसी ऐसे बंदे से मिलेंगे जो हमें काम देगा, क्योंकि एक्टिंग का तो भूत था ही था।
अब क्या देख रहे थे हम कि जो भी बंदा उसमें से पूछ रहा था ना, वो गौरव शर्मा का ही नाम ले रहा था। अच्छा। हाँ, किसी को अगर कहीं से परमिशन लेनी है तो वो गौरव शर्मा जी का है, किसी को अगर किसी का कोई पतासला खाने के अरेंजमेंट का है तो वो तो देख ही रहा है, पर वो खाने के अरेंजमेंट वाला भी गौरव शर्मा से ही पूछेगा कि भाई वो क्या करना है क्या नहीं करना है, या शेड्यूल कहाँ पर क्या है, कौन सा सीन है। अब बड़े बड़े, चलो इनको तो छोड़ो, अब जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वहाँ पर आए हुए थे, तो सबसे बड़ी थीम हमने ये देखी कि जब बड़े बड़े आर्टिस्ट आके नहीं गौरव शर्मा के पास बैठ रहे हैं और उनसे ही सारी राय ले रहे हैं जी, तो फिर हमने, यार देखो जब किसी के ना पता निकालना हो ना, जब बड़ा आदमी छोटा आदमी कौन सा है पता तो भाई बड़े से मत पूछो, फिर छोटे से पूछो। हमने वो स्पॉट दादा थे ना, तो उनसे पूछा मैंने कि भाई देख कोई बात नहीं, जैसे तुम हो वैसी हमें, मैंने ऐसा ही बता यहाँ पर कौन बनाएगा काम यार, ये बता मुझे काम। तो स्पोर्ट दादा बोले यार कि चलो देखो तुम ना, तुम्हें अगर काम चाहिए ना रियल में तो तुम किसी के पास मन जाओ, तो वो गौरव शर्मा जी बैठे ना पूरी यूनिट में, इसे बेस्ट बनते हैं और तुम्हें काम भी वही देंगे, ये समझ लो तुम्हारे करदाता वही है। तो बस दिमाग में वो चढ़ गई। अब हम 1.5 घंटा उसमें भट गए यहाँ से वहाँ पर, ये भाई मिले नहीं, काम ही नहीं, यानी इतना नहीं था कि हम, मेरे को 2 मिनट भी मिल जाए इनसे बात करने के लिए, 2 मिनट हमें मिल जाए, क्योंकि भीड़ भी बहुत थी, शूट चल रहा था और जहाँ पर भी था सिक्योरिटी बहुत थी, एक तो सिक्योरिटी अंदर नहीं घुसने दे रही थी, तो किस तरह से किस्मत थी कि ये थोड़ा साइड आए बात करते करते, इनका फ़ोन रखा है, इतनी हमने कोशिश की कि ये अपना फ़ोन रखें और हम इनसे बात कर लें, तो इन बस वही 2 या 3 मिनट में नहीं होंगी, वो इन्होंने अपना फ़ोन कट किया है, इतनी देर में मैंने इधर से अपना यानी पर्चा दाखिल कर दिया। मैं सर ये अगर थोड़ा सा समय है तो मेरी एक बात सुन लो, तो इन्होंने बोला भाई बोल क्या बात है, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और मेरा बहुत यानी मन है कि मैं आगे जाके बढ़ूँ, तो ये बोले चल ठीक है भाई, अगर तेरे अंदर कुछ टैलेंट है तो तू जरूर आ, पर यहाँ मेरे पास काम नहीं है, बॉम्बे आ, बॉम्बे में तेरे को देखता हूँ, जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूँगा तेरे लाइक होगा तो। इन्होंने मेरे को अपना कार्ड वार्ड था वो दे दिया था, और इतनी ही बात हुई होंगी, इससे ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा इससे ज़्यादा फिर हमें शिफ्ट करना था, फिर इनको ऋषिके जाना था, मैं उसी समय निकलना भी था इनको, और शूट का भी बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, तो मैंने कि चलो ठीक है सर आपने इतना ही दे दिया मेरे को, यही बहुत। हम वहाँ से देख दाख के शूटिंग, फिर हम अपने घर आए, घर आए, घर आके नहीं एक ही दिमाग पर चढ़ो तो हमें जाना है निकलना है कैसे भी करना है। हमने फिर फटाफट टिकटें करी, हमें रिजर्वेशन भी नहीं मिला, बता रहा था मैं पहले, रिजर्वेशन नहीं मिला, हमें जनरल में जाना पड़ा, हम यहाँ से जनरल में गए कैसे भी करके, मेरे ख्याल से इनसे मुलाकात हुई उसके 8-9-10 दिन में हम वहाँ पहुँच गए थे बॉम्बे महाराष्ट्र में। तो फिर उसके बाद इनको मिलने के लिए मेरे को 2 दिन लग गए, जिस दिन मैं गया उस दिन ये मिले नहीं मेरे को वहाँ पर। फिर जहाँ मैं ऑफिस में पहुँचा पहली बार, तो वो जहाँ इनका उधर फिल्म सिटी में शूट हो रहा था, तो जब हम फिल्म सिटी में पहले तो एंट्री नहीं होने दी थी, कार्ड के बिना एंट्री नहीं होने देते, कार्ड के बिना एंट्री नहीं होने देते हैं, जब कार्ड के बिना एंट्री नहीं होते देते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं तो दूसरे रास्ते से निकल के एंट्री हमने कर ली थी। कर कर आके जब हम वहाँ गरिमा प्रोडक्शन हाउस पहुँचे तो फिर इनसे मुलाकात कैसे हो, अब वहाँ तो हो गई थी ओपन में, अब वहाँ पर अंदर गेट पर ना जाने दें। तो बस फिर वो ध्यान आया कि कार्ड है मेरे पास जो इन्होंने मेरे को दिया था, वो एक कार्ड मेरा यानी कि वो कहते हैं ना ATM कार्ड की तरह काम कर गया, वो हिसाब से काम कर गया। मैंने वो कार्ड मैंने गरिमा प्रोडक्शन हाउस के वो जो बाहर गार्ड्स खड़े थे उनको मैंने दिया, मैंने कि सर ये सर ने मुझे बुलाया है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ये ऑडिशन देने आया हूँ कुछ है, मैं पर्सनली उनसे मिलने आया हूँ, मेरे को उन्होंने कार्ड दिया था, दिखा देना और आप एंट्री कर लेना। बोला अच्छा चलो ठीक है, बोले कि मैंने वो कार्ड लेके नहीं, शायद वो इनके सर के पास आया भी होगा कि उस टाइम तो भाई सर ही थे वो बात दूसरी है, तो वो कार्ड लेके आया भी होगा, तो देख के इन्होंने बुलाया भी कि चल कार्ड दिया तो कोई ना कोई तो वजह होगी। तो वहाँ फिर वो मुलाकात हुई मेरी, तो वहाँ पर इन्होंने खड़े खड़े एक ऑडिशन मेरा दिया था, जैसे मैं खड़ा था तो बोले अच्छा चल ठीक है, तो बोले कि अच्छा एक ऑडिशन थोड़ी सी लाइनें दी थी वहाँ से उठा के पर्चा, तो मैंने वो 2-4 लाइनें थी बोली, बोला कि चल ठीक है तू वहाँ पर जाके नहीं ऑडिशन दे दे उसका, आगे है एक उसका। तो मेरे को बड़ा यानी ऐसा लगा मैंने अब तो मैंने हिंदुस्तानी सारी चीज़ें जीत ली। तो सर अब शुरू पे आते हैं आपकी ज़िंदगी पर कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई, माता पिता का एरिया बैकग्राउंड क्या था, और फिर उस यहाँ तक बताइए फिर बाकी बात करिए। देखिए मैं दिल्ली में ही मेरा बॉर्न हुआ था जी, वहीं से मेरी एजुकेशन हुई है,
मैंने आफ्टर 12th ना ज़ेड सिग्मा का एक कोर्स किया था जी। सो बेसिकली ना पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे डायरेक्शन के, एक्टिंग के, एक्टिंग की तरह मेरा झुकाव शुरू से नहीं था, तो मैंने पॉइंट हटा दिया था। क्योंकि जब मैं मेरे मामा जी को देखता था ना, तो उनको सोचता था यार ये तो मतलब सब कुछ करता धरता यही है, ये तो एक्टर को डांट दिया उन्होंने। तो साला जब एक्टर को डांट दिया तो फिर मैं यही बनूंगा ना, एक्टर क्यों बनूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो कोर्स किया। कोर्स जो होता है ना वो आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकली बोल सकता है कि आप ये कैमरा उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, या आप यहाँ से वॉक करके वहाँ चले जाओ, इस पॉइंट से वहाँ आ जाओ, वो मार्क दिया हुआ है। जो प्रैक्टिकली नॉलेज होती है ना वो आपको काम करके होती है। बिल्कुल। वो मेरे कोर्स ना सिर्फ टेक्निकली काम आया कि मैं अगर मुझे पता है किताबी कोर्स क्या होते हैं। बिल्कुल। किताबी क्या होता है, माइनस प्लस आप बेसिक सीख लेते हैं, अकाउंट सीख लेते हैं, लेकिन जब हम अकाउंट्स करते हैं किसी का तब पता चलता है। तो जब मैं अपने मामा जी के साथ काम किया तो मुझे बारीकी पता चली, एडिटिंग क्या होती है, एडिट क्या होता है, ये क्यों इतने ही शॉट ले रहे हैं, उसके बाद अगला शॉट उसके बाद लगना है इसलिए उन्होंने वो शॉट लिया तो एज ए डायरेक्टर। तो वो धीरे 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 जो पॉलिश हुआ हूँ ना मैं, वो वहीं से हुआ हूँ, सारी चीज़ें मेरी वहाँ से। मेरे पापा बिजनेस मैन हैं दिल्ली में, कपड़े का उनका बिजनेस है चांदनी चौक में, मेरी मदर हाउस वाइफ है, और मतलब दिल्ली में मैं पला बढ़ा वहाँ पे, वहीं पे मेरी एजुकेशन वगैरह भी। फिर मैं 2007 में मुंबई चला गया था। तो पहली बार जहन में कब आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, एंटरटेनमेंट फील्ड में, या फिर जो करना है इसी फील्ड में करना है? वो मैं कुछ दिन पहले मतलब आफ्टर 10th ना मैं शूटिंग वगैरह पे जाता था मामा जी के साथ जी। वो ले जाते थे कभी दिल्ली में, उनका कोई पायलट की शूटिंग चल रही थी, वो स्टेबल थे। हाँ, वो काफ़ी पहले से सीरियल वगैरह कर रहे थे जी, टीवी शो कर रहे थे, DD1 के उन्होंने काफ़ी शोज बनाए। मतलब वो तो 17 साल की उम्र से काम कर रहे हैं जी। वो डायरेक्टर भी मतलब 20 साल की उम्र में डायरेक्टर बन गए थे, DD के शो बनाए, कश्मीर एक जन्नत, काफ़ी सारे शोज बनाए थे उन्होंने। तो वो शोज़ वगैरह बनाए तो उनकी शूटिंग पे मैं जाता था, वो देखता था वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। फिर एक दो बार मुझे अपने साथ एडिटिंग पे ले गए थे वो, तो एडिटिंग में थे, मुझे मज़ा आया कि मतलब इन्होंने जो शूट किया था मुझे अपर चल रहा है, जो सारा रॉ मटेरियल था वो यहाँ के, तो DG Beta चलता था जी। बिल्कुल। DG Beta पे शूट होता था, वीनस की एल्बम, सारी वीनस की एल्बम, अल्ताफ राजा वगैरह की, आप आज भी यूट्यूब पर उठा के देखेंगे उनका ही नाम आएगा, अल्ताफ राजा की, तुम तो ठहरे परदेसी वगैरह सब उन्होंने शूट किया हुआ है। तो वो शूट करते थे, फिर मुझे एडिटिंग मज़ा आने लगा और धीरे धीरे झुकाव वहाँ के। फिर मैं 2007 में एक फाइनल डिसीजन बनाया कि वहाँ जाके कुछ करते हैं जी। और धीरे धीरे जब फिर मैंने बताया आपको कि मामा जी के साथ जब तक मैं 2-3 साल काम करता रहा तब तक मैं कम्फर्ट जोन में रहा, मतलब कि हाँ काम मेहनत तब भी होती थी उतनी, क्योंकि मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था, वहीं आर्टिस्ट को मार्क देना पूरी इतनी, हमारा 45-46 degrees में हम उमरगाँव और लाज पीपला वगैरह गुजरात में जगह हैं शूटिंग की, लोकेशन वहाँ शूटिंग करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे शूटिंग करने में, सब कुछ स्ट्रगल उतना ही था। लेकिन एक पर्सनल जो स्ट्रगल होता है ना वो उनसे हटने के बाद, मतलब एक अपना काम करने के बाद, आपको हमेशा किसी की छत्रछाया में तो आप काम नहीं कर सकते हमेशा, वो हटने के बाद फिर मैं स्टैंडर्ड, फिर एक 9X करके चैनल आता था, 9X नहीं 9X म्यूजिक नहीं 9X चैनल आता था, 9X आता था, उसका शो आता था जय माँ वैष्णो देवी। बिल्कुल। उसमें मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर अपने मामा जी के बाद, मतलब वो जब तक उनका काम चलता रहता था ना मैं करता था उनके साथ, उनके अलावा जो मैंने काम करना शुरू किया मेरा पर्सनल, जहाँ पे मेरा मतलब कोई पहचान नहीं थी कुछ नहीं, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, वो 9X का शो था जय माँ वैष्णो देवी, वो क्रिएटिव वाई कंपनी का शो था जिसके प्रोड्यूसर थे धीरज कुमार जी। धीरज कुमार बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं, और वहाँ पे मेरा स्ट्रगल चालू होता था। ये उस समय की बात है जब 20-22-23 मतलब घंटे शूटिंग चलती रहती थी, हम लोग कभी उमरगाँव में शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग 2-3 महीने शूटिंग थक जाते थे बिल्कुल, हालत ख़राब हो जाती, पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। आप क्या होता है ना, एक नॉर्मल आदमी अपनी ज़िंदगी में ना वो कुछ भी करता हो, चाहे मजदूरी करता हो या वो मुकेश अंबानी हो, तो वो उनका जो क्राइटेरिया होता है ना वो ऐसा होता है कि वो टाइमिंग होता है उनका कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ जी। हमारा भी था, और उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, हमारी एसोसिएशन नहीं होती थी ये बोलने के लिए कि भाई पैकअप कर दो शूटिंग। ये 2008-09 के बाद 10 में जाके एसोसिएशन बनी है जिससे टाइमिंग सेट हुई कि 12 घंटे शूटिंग चलेगी, डायरेक्टर एसोसिएशन बनी, सिंटा वगैरह तो पहले से ही था, मतलब टाइमिंग डिसाइड हो गया कि भाई अब है ना 12-13 घंटे ही काम होगा, 12-13 घंटे से ऊपर काम नहीं होगा। तब फिर मैं महुआ के लिए एक शो आता था जुगाड़ू लाल, मिस्टर जुगाड़ू लाल, हाँ उसका मैं पहली बार एज असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना। उसके बीच में छोटा मोटा काम करता रहा, फिल्में की मैंने, एक गरम मसाला फिल्म आई थी उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था, और भी माइका बिटवा आई थी, मतलब बहुत सारी फिल्में आई उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर, कभी क्लैप देता था वो करता था, स्ट्रगल चालू था। और जुगाड़ू लाल से जो है
मैं एज ए एजुकेटिव प्रोड्यूसर, उससे पहले मैं ऐड वगैरह बहुत करता था जी, काफ़ी सारे मैंने सलमान वगैरह के साथ काफ़ी सारे एड्स वगैरह किए हैं, बट वो एज असिस्टेंट एक्टर किए थे। जुगाड़ लाल में एजुकेटिव प्रोड्यूसर, फिर मैं शो करता था हाई पड़ोसी कौन है दोषी, ये आता था सहारा टीवी पे, उसमें एजुकेटिव प्रोड्यूसर करता था मैं, शो एड्स करता था। उसके बाद फिर मैंने चिड़ियाघर, लापतागंज और सतरंगी ससुराल इसी टीवी पे वो आता था। फिर एक शो आता था आपका, अभी ये लास्ट शो था वो मेरा था, ये उन दिनों की बात है, ये शशि सुमित प्रोडक्शन का शो था, हाँ ये उनका शो था, ये उन दिनों की बात है, सोनी टीवी पे, अभी दो साल पहले ऑफ एयर हुआ था वो शो कर रहा था। बाकी राजस्थान की फ्रेंचाइजी मेरे पास है, जो एड्स वगैरह राजस्थान के होते हैं ना वो मैं करता हूँ, हाँ अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया जो आता है ना, वो शोज़ उसके जितने भी एड्स होते हैं जो राजस्थान की फ्रेंचाइजी है, जैसे एमपी में भी होता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान की फ्रेंचाइजी मेरे पास जी, वहाँ के जितने ऐड होते थे ना वो मैं सब अरेंज वगैरह वो सब मैं करता था। तो अभी तक यही लाइफ चल रही है। आपने अपने मामा जी को देखा था एज ए डायरेक्टर काम करते हुए, आप डायरेक्टर ही बनना चाहते थे क्योंकि आपने देखा था डाटा भी उन्होंने, हाँ, उसके बाद इंडस्ट्री में आए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर रहे थे, हाँ, तो आपने अपने आप को एज ए डायरेक्टर क्यों एस्टैब्लिश किया, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्यों बने आप? एक्चुअली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ना मेरे कंफर्ट जोन में आ गया था असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जी। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था ना तो हमारा स्ट्रगल इतना था, 12-15 घंटे शूटिंग कर रहे हैं शूटिंग के बाद, हालांकि इसमें उससे ज़्यादा है, इसमें तो ऐसा है कि आप 12-15 शूटिंग करने के बाद भी आप फ़ोन पे, अब मैं ये चिड़ियाघर जब मैं करता था मैं सुबह 7 बजे का निकला और रात को कई बार 1 बजे घर पहुंचता था जी बिल्कुल, और रात को 3 बजे तक मेरे फ़ोन चालू रहते थे, और सुबह 5 बजे मुझे वापस नायगांव जाना है या कहीं पे जाना है, वापस चक्कर लगा था, मेरा एक कंफर्ट जोन बन गया था, मुझे अरेंज करने में चीज़ों को मज़ा आने लगा था, चैनल से बात करने में, डायरेक्टर से बात करने में, मेरे डायरेक्टर कौन होगा, कल की शिफ्ट कितने बजे की होगी, तो मेरे ना मैं अपने ऐसा लग रहा था कि मैं 2 हाथों से नहीं 12 हाथों से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मुझे अपने आप पर इतना विश्वास हो गया था ना कि मैं, और डायरेक्टर में क्या प्रेशर एक अलग लेवल का प्रेशर रहता है डायरेक्टर में, खासकर जो सीरियस के डायरेक्टर है ना उनका प्रेशर बिल्कुल अलग होता है, मतलब आप समझ नहीं सकते उनका प्रेशर कितना अलग होता है, वो चैनल से उनको प्रेशर आता है अलग जी बिल्कुल, कि आपको ये शूट करके देना, आपने ये सीन ख़राब शूट कर दिया आप रीशूट करेंगे, टेलीकास्ट कल का है, ये टेलीकास्ट वाला जो प्रेशर है मेरे ऊपर भी होता था, सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर होता था कि एपिसोड बना के देना है, अपने डायरेक्टर को पुशअप करना है कि नहीं सर प्लीज़ जल्दी कीजिए, मतलब करना है, क्वालिटी भी निकालनी है क्वांटिटी भी देनी है दोनों चीज़ें, तो मुझे वो कंफर्ट जोन लगा, फिर मैं धीरे 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 जिस गली में जा रहा था वहाँ पे मैं इस्टेब्लिश हो गया। जब आपका नाम हो जाता है ना तो आप सोचते हो यार मेरा तो इस चीज़ में नाम हो गया है, ये कर लो, हाँ ये कर लो, और उसके अलावा क्या है मैं काम बहुत बेहतर कर रहा हूँ, मतलब मेरा नाम हो रहा है कि हाँ यार ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, 10 शो में बात हो रही है कि इस शो का प्रोड्यूसर अच्छा है, इसके अलावा कुछ बात होगी जी, ऐसा होता है। तो क्या भविष्य की कोई योजना नहीं है कि आप डायरेक्टर बने या एज ए डायरेक्टर? देखिए डायरेक्टर में क्या होता है, अभी जब कोई शो करता हूँ ना मैं तो डायरेक्टर कुछ गलत कर रहा होता है ना तो क्या पता लग जाता है, तो प्रोड्यूसर के लिए आसान हो जाता है कि यार ये गौरव बैठा है ना बता देगा डायरेक्टर के लिए, ऐसा बहुत बार होता है जी। मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी अभी वेब सीरीज आई है और चली है सोनी लीव वगैरह पे, उनको डायरेक्शन की नॉलेज मतलब खुद शॉट भी नहीं लगा पाते वो, तो हमें पता लग जाता है कि डायरेक्टर यहाँ पे हमारे, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, जब प्रोड्यूसर काम अच्छा होगा कम बजट में होगा तब वो अगला काम करेगा, सिर्फ मुझे काम नहीं देगा वो हज़ारों लोग काम मिलेगा, पहले 100 की बात होती थी अब होती हज़ारों की बात, ये हज़ारों जब प्रोडक्ट बनता है तब 100-200 लोग हैं, एडिटिंग टेबल पिक्चर जाती है, पिक्चर बिकती है, पब्लिसाइड होती है पिक्चर, फिर चैनल वाले उस पिक्चर को लेते हैं, कोई डिज्नी हॉटस्टार वाला लेता है, कोई एमएक्स पीरियड वाला लेता है, कोई सोनी लीव वाला लेता है, तो जुड़ते 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 पिक्चर या वेब सीरीज़ से 1000 लोग जुड़ जाते हैं जी। तो ये जब होता है तो अभी डायरेक्शन की पूरी नॉलेज है, हमें पता है कि डायरेक्टर अभी क्या करने वाला है, उससे जाके बात करते हैं हम। मैं ऐसा एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं एक शो कर रहा था, नाम तो नहीं बता सकता मैं कैमरे पे, बिल्कुल बताता हूँ, वो डायरेक्टर स्टार प्लस का शो था और स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए वो डायरेक्टर, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर हैं वो, दोनों साथ पे काम करते हैं। तो वो आए, उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया कि गौरव ऐसा आपने 9 बजे की शिफ्ट लगाई, मैंने कहा हाँ सर 9 बजे शिफ्ट लगाई है, आप 9:30 बजे तक आ जाइएगा, सीन वगैरह आपको मेल कर दिए हैं, आप मॉर्निंग पहुँच जाइए। अब बंदे वो 9 बजे की, क्योंकि वो फिल्म वाले डायरेक्टर थे, होता क्या है जब सीरियल को बड़ा होता है ना तो हम शुरू के एपिसोड बड़े डायरेक्टर से करवाते हैं ताकि उस शो की क्वालिटी अच्छी निकले। तो स्टार प्लस का शो था, बड़ा शो था बहुत, बाहर मतलब इंडिया से बाहर भी शूट करने गए थे, 2-3 महीने शूट किया था बाहर हमने वहाँ पे। तो डायरेक्टर आके बैठ गए, अब डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद है ना सोच के बारे में शॉट क्या लगाऊं, मैं काफ़ी देर तक उनको वॉच करता रहा, बहुत देर तक मैं उनको देखता रहा। अब मुझे पता था कि मैंने सीन पढ़ा हुआ है
तुमसे पहले सीन पढ़ा हुआ, 10 बार पढ़ा हुआ, मुझे पता है कैमरा कहाँ रखना होगा, कौन सा वाइड शॉट लगे, क्या मास्टर लगे, सब मुझे पता था। तो वो डायरेक्टर बैठे थे, उनके बगल में जाके बैठा मैं, बोलो सर मैं कोई प्रॉब्लम, मतलब आप अभी तक आपने शॉट नहीं बताया, कोई प्रॉब्लम को टेक्निकली कोई कैमरा मैन ने आपको कुछ बोला हो, डी ओ पी ने कुछ, बोले नहीं नहीं वो एक्चुअली हम इसको ना अलग तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं शॉट को। मैं बोला मैं सर आप एक काम करो, पहला शॉट वाइड लगा लो, वो हीरो है ना अपने भाई को लेके आ रहा है, शराब पी हुई है, रात को लेट पार्टी से आया था, और ट्रॉली पे लगा लो, ट्रॉली से पुल बैक करते हुए जाना, और पहला शॉट वो लगा लो आप उम्र तक। अच्छा ठीक है देखते हैं हम लोग, मैं आधे घंटे बाहर घूमने चला गया, ईगो पूरा फुल था। हाँ, बोलेगा उस बंदे ने वही शॉट लगाया बाद में, मतलब झुकना भी, हाँ मैं झुकना नहीं, उसका ढक्कन तभी खुला उसका, पहले वो ये नहीं सोचता था पहला शॉट कौन सा लगाऊं। कई डायरेक्टर होते हैं, अब वो डायरेक्टर बन जाते हैं क्या है, इससे फ़ायदा ना मुझे और मेरे प्रोड्यूसर को होता है, ये बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, वो डायरेक्टर ही नहीं बोल सकता अरे सर सीन इतना बड़ा था इतना टाइम चला गया, अब ऐसे कैसे चला गया भाई टाइम, मैं करके बताता हूँ तेरे को कैसे जाएगा। वो एक प्लस पॉइंट होता है हमेशा हमारे साथ इस चीज़ को लेकर। सर सवाल का जवाब मिला, भविष्य में कभी आप डायरेक्टर बनेंगे या कोई योजना? हाँ बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा या हमारा कंफर्ट जोन होगा, मेरी स्क्रिप्ट होगी जी, जो मैं भाई देखो क्या होता है डायरेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वो उसकी स्क्रिप्ट के साथ होता है। बिल्कुल, वो वाला डायरेक्टर मैकेनिकल डायरेक्टर तो बनना नहीं है कि रोबोट बन के चलेगा सुबह और अपना वहाँ पर जाके क्या ये सीन है, हाँ ये शूट कर दूंगा सर। ठीक, जो आप जितने बड़े डायरेक्टर देखोगे ना वो अपनी स्क्रिप्ट के साथ ही खेलते हैं, वही डायरेक्टर हैं। अब मैं जिनकी मनोज शर्मा जो मेरे मामा जी हैं वो एक राइटर हैं, वैसे नहीं कि वो टेक वो गए कि मेरे को फलाने ने लिख के दे दी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली, अच्छा ऐसे शूट करना है भाई मैं तो एक काम करूँगा डी ओ पी के पास हो गई है मैं शूट करके दे दूँगा, नहीं स्क्रिप्ट में आउटपुट इनपुट दोनों होना चाहिए कि मैं कहाँ शूट करूँगा कैसे शूट करूँगा, और ये एक्टर को ये तो नहीं बोलेगा ये सर ये डायलॉग क्या लिख दिया है। तो जब आप बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करो ना, नसीर भाई के साथ काम करोगे या बहुत रजत कपूर वगैरह के साथ काम करो, तो क्या होता है कि ये लोग सीन पढ़ते हैं ना तो डायरेक्टर से आर्ग्यू करते हैं कि सर ये सीन जो है, राजेंद्र गुप्ता हमारे चिड़ियाघर में थे, बहुत लाजवाब एक्टर हैं वो, यशपाल शर्मा, हाँ यशपाल शर्मा राजेंद्र गुप्ता जो बाबूजी बनते थे उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप है ना उनसे बहस नहीं कर सकते, उनको समझा सकते हैं। तो कई बार चिड़ियाघर के सेट पर होता था कि वो स्क्रिप्ट वगैरह तो हम उनको जाके समझा दें, तो डायरेक्टर वो होना चाहिए कि वो उनको जाके समझाए, वो आर्ग्यू करें ना यार कि मैं इधर से क्यों आ रहा हूँ, मैं ये शॉल लेके क्यों आ रहा हूँ, मैं तो कल वहाँ गया था। होता है सीन के आगे पीछे का याद रखना पड़ता है ना कंटिन्यूटी क्या होता है, डायरेक्टर वो होता है जो बता सके अरे सर आप ऐसे कॉन्फिडेंस से ऐसे नहीं, अच्छा वहाँ से आ रहे थे एक काम करो सर आप अपने हिसाब से कर लो, अब क्या वो एक्टर आप पे आगे से एक्टर वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, और ये डायरेक्टर सोचते मेरी इज्जत करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। डायरेक्टर मतलब गलत बात पर नहीं, जो सही चीज़ है उसको समझाओ कि सर ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा तब किया था। अच्छा तो वो सर राजेंद्र गुप्ता वगैरह, परेश भाई, परेश गणात्रा जो चिड़ियाघर में घोटक का किरदार निभाते, सुमित अरोड़ा जो गोमू बनते थे, ये ऐसे लाजवाब एक्टर हैं, मतलब आप इनको आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं ना तो आपको मेहनत कुछ नहीं करनी है एज ए डायरेक्टर, ये अपना आप ऐसा करके दे देंगे आपने सोचा नहीं होगा सीन के अंदर जी। जब मेरे शो में चिड़ियाघर में मैं देखता, अश्विनी जी की तो खैर राइटिंग कमाल की थी वो तो, लेकिन जब भी करते थे इन तीनों के सीन होते थे तो ऐसा होता था कि सीन जो लिखा है ना उससे 20% ऊपर करके देते थे आपको, तो मज़ा आता था सबको देखने में। तो डायरेक्टर वही है कि जब मेरे को ऐसा लगेगा कि यार कुछ मेरी स्टोरी के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर मैं उसमें हाथ ज़रूर डालूँगा, अभी तो कम ही उम्र है तो ये मौका भी आएगा ही एक बार। सर ये तो हमारे प्रेम सर की किस्मत कहें या जो भी कहें कि आपने इनको एंटरटेन कर दिया था हरिद्वार में, उसके बाद ये चले गए आपसे और आपसे डायरेक्ट मिल लिया इन्होंने, लेकिन बहुत छोटे छोटे शहरों से जो जहाँ हम बैठे हैं समय रुद्र किच्छा में जो उत्तराखंड में है, इससे भी छोटे शहर, इससे भी छोटे गांव से लोग उठ के जाते हैं मुंबई जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप कि वो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से उनको काम मिले और या फिर वो लोगों से कनेक्ट पाए, मिल पाए आप जैसे लोगों से और कुछ काम बने उनका? देखिए दो तरह के एक्टर होते हैं जी, एक तो बेवकूफ एक्टर जैसे पऊ एक्टर मैंने आपको बताया, बिल्कुल वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि भाई मैं तो जाके ना ये कर दूंगा, मैं तो जाके आमिर खान बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। आप अपने साथ जस्टिफाई करो, आप किसी ऑडिशन पे जाओ तो कई बार क्या होता है आप बहुत सारे ऑडिशन देते हो, बिल्कुल, और कई बार ना ऑडिशन से ही सीख जाते हो, ऑडिशन दे दे के पॉलिश हो जाते हो। तो मेरा तो ये काम रहा है कि मैंने तो कभी आज तक किसी को परेशान किया नहीं, कोई एक्टर स्ट्रगल अभी कई बार आपको मैं कितनी बार बताऊँ कि मेरे फिल्म सिटी में कई एक्टर ऐसे थे जो घर से भाग के आ रखते थे
बिल्कुल होता है सर। और वो ऐसे भाग के आते थे कि मतलब वो उनके पास ना खाने के पैसे नहीं, रहने के पैसे नहीं। मैं नाम नहीं बता सकता, आज वो थोड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, वो हमारे सेट पे आके बैठ गए वहाँ पे, और उनको जो है वॉचमैन ने 2-3 बार भगा दिया। मैंने भी देखा, ऐसा नहीं कि मैंने वॉचमैन को जाके रोका, क्योंकि क्या होता है ना हमारे सेट में बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं जी, कौन चोर है कौन उचक्का ये पता नहीं लगा सकता ना। अपना काम कर रहा है। हाँ, वॉचमैन अपना काम कर रहा है। मैंने 3री 4थी बार 5वीं 6ठी बार देखा वो आदमी उसको रोक रहा है, कह रहा है एक बार मिलने। तो मैंने बोला, मैं कहा एक बार आने दे यार, जब वो रोज़ आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। तो वो आया अंदर, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे ना मैं लखनऊ से आया हूँ, और मैं ना मतलब मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब मैं कर सकता हूँ बिल्कुल, मुझे आप ऑडिशन लेके देख लो। मैंने ना आप लखनऊ में छोटे मोटे ऑडिशन होते थे, और आप उनकी शक्ल हाइट वगैरह देखेंगे, वो बिल्कुल एक्टर लगते ही नहीं थे। एक तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है एक्टर के बारे में, सब हीरो सोचते हैं। ये उनकी गलती नहीं, ये हमारी भी गलती है, ये हमारे जैसे लाखों लोगों की गलती है। हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो हीरो, तो चले हीरो नहीं बन सकता, क्यों हीरो बनेगा, हीरो के अलावा 50 कैरेक्टर हैं फिल्म में, वो हीरो से अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारी इन्हें ये ऑडियंस की भी रहती है, सबकी सोच यही रहती है। मैंने बोला, मैं कहा भाई देखो अब तुम्हारे, अब वो परेशान खाली एक्टिंग से नहीं है, पैसे से भी परेशान है। मैं देख भाई यहाँ पे 100 लोगों का खाना आता है, तू भी खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा ले, आज खा ले, कल खा ले, 2-3 दिन खा ले, उसमें अगर कुछ ऑडिशन वगैरह होता है मैं तेरे को दिलवा दूँगा ऑडिशन, लेकिन ये डिपेंड तेरे ऊपर करेगा। ऐसा ना हो तू खाली बोरी निकले, मतलब बोल रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बातें मत करना, खाना बिना खा, अपने आप को थोड़ा मुँह धो के आ। जब 3-4 दिन आदमी होता है ना, तो एक्टर हर गरीब एक्टर एक्टर नहीं बन जाता है। तो वो थोड़ा खाया पिया उसने वहाँ पे, थोड़ा रहा एक, मैंने एक दिन एक काम करो, उसको मैंने ये मौका भी दिया कि तू एक दिन शूटिंग देख ले। कह रहा मुझे शूटिंग मैंने देखी नहीं है, मेरे को पता है कैसे होती है। मैं कहा तूने दूर से देखी होगी। मैं एक काम कर, यहाँ गेट के पास खड़ा हो जा, पूरे दिन शूटिंग देख ले, शूटिंग देखी, अच्छा ऐसे ऐसे हो रही है, एक्टर को एक्टर रीटेक दे रहा है वहाँ पर। मैं कहा देखिए फटाफट फटाफट थोड़ी एक बार में सब छप जाता है, 50 रीटेक देने पड़ते हैं सीरियल में, तो खैर 50 नहीं देने पड़ते, क्यों झूठ बोलूँ मैं, करना पड़ता है उन लोगों को काम। एक्टरों के लिए बहुत मुश्किल होता है सीरियल्स वगैरह करना, लेकिन जल्दी एपिसोड देना है, टेलीकास्ट देना है, फिर भी वो उसके लिए नई चीज़ थी। तो वो बंदे ने ऑडिशन दिया, उस ऑडिशन में से कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ऑडिशन हमने संभाल के रख लिया। मैं कहा देख तू कर सकता है एक्टिंग। कह रहा मेरे पास ना एक ही दिन बचा है वापस, वो बोल उसने खुद बोला, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं किसी रिश्तेदार के थ्रू आया था, मुझे वापस टिकट करा देगा। मैं कहा तू ये तो एक महीने बाद कभी तेरे को जब पैसे वैसे हों। कह रहा मैं जॉब करके आऊँगा एक महीने की सैलरी लेके। उसमें थोड़ी सी बात दिखी, एक डेढ़ महीने वो 6 महीने बाद आया, और उसको अब कोई ऐसा आदमी था भूलते नहीं ना कि आया है, अच्छा ये तो वही है जो आया था, वो आया। आप ये समझ लो कि आज वो किसी सीरियल में, किसी टीवी सीरियल में सेकंड लीड कर रहा है। तो ये एक होती किस्मत और जुझारूपन, करना है। हाँ करना है। अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर आते हैं रोज़ आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, कोई दिल्ली पहुंचता है, कोई मंडी हाउस पहुंचता है, कोई मुंबई पहुंचता है, सब करते हैं, सबकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई आदमी जब लगा रहता है ना किसी चीज़ के पीछे, तो काम हो जाता है जी। ऐसा नहीं है आप अगर ये बोलेंगे कि वो आया था आके फेल होके चला गया, नहीं, आया था 3 महीने 6 महीने। अब मैं तो ऐसे लोग रहता हूँ 9-9 साल से वहाँ रह रहे हैं, घर वाले अभी तक पैसे भेजते ही जा रहे हैं, भेजते ही जा रहे हैं कि हमारा राजकुमार पता नहीं कब बड़ा होगा। हैं बहुत पाले वो राजकुमार हैं बच्चे ऐसे। हाँ बिल्कुल, उनके माँ बाप के पास गवर्नमेंट जॉब है, वो आज भी जो है उनको बड़ा ही कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए कि उनका बच्चा सारा 10 साल का होगा हो जाता अगर वो शादी कर लेते। सही बात है। तो वो गलत काम करते हैं, वो क्या करते हैं अपने कैरियर के साथ छेड़खानी करते हैं, उनको पता है एक्टिंग में कुछ नहीं हो रहा। आपने 3 साल ट्राई कर लिया, आपको अपने घर चले जाए, पढ़े लिखे हो, आपको जॉब कर लो, लेकिन जो लगे रहते हैं लोग, मैंने देखा है उनके साथ अक्सर काम होता है ऐसा। अगर आपके अंदर है शिद्दत ही बोलते हैं इस चीज़ को, कि मतलब आप लगे हो आप नहीं छोड़ रहे हो, तो आपका काम ज़रूर होगा। उसके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं कि मैं, ज़्यादातर एक्टर वो आते हैं बेचारे जिनमें पैसे नहीं होते, बिल्कुल, जो स्ट्रगल करते हैं। मैंने ऐसे एक्टर देखे जो पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। अपन मेरा कल शूट है, मेरा दोस्त मेरा पिज़्ज़ा कल वो कर देगा, मैं उसको पैसे दे दूँगा, कर दूँगा, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं और आज वो इस्टेब्लिश एक्टर हो गए हैं। तो ये आदमी पर डिपेंड करता है, ये खाली हम पर डिपेंड नहीं करता है, जिसका सपना है उसको तो हाँ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। और बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार में आते हैं और क्लिक भी होता है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि आदमी आया और हफ्ते में उसको हमें अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं हमारे जो मतलब आए और थोड़ा ही किया तो क्लिक हो गया, वो यार ये तो सही कर गया काम, ऐसे भी हैं। और कई बेचारे अपने आप को 9 साल तक रगड़ रहे हैं,
हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी एक्टर हो, कोई भी टेक्निकल फील्ड में भी आते हैं ना लोग, एक्टर की तरह आते हैं स्ट्रगल करने। बिल्कुल, आप अपनी दर्शकों के साथ बुरा मत कीजिए, ढंग से बात कीजिए, ताकि वो आपको ज़िंदगी भर ना ये मत बोले कि साथ मैंने मेरा कैरियर ख़राब कर दिया। वो काम नहीं होना चाहिए। वही जब प्रेम, जब पहली बार वहाँ मिला था ना, खाली प्रेम नहीं था, प्रेम के बाद और भी लोग आए वहाँ पे। जी बिल्कुल। लेकिन अब प्रेम तो दोस्त बन गया, काम कर लिया इसने, सब कुछ कर लिया। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे उत्तराखंड से आए, आके वापस चले जाते हैं, लेकिन आप किसी के बुरा ना कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि उसको ठेस पहुँचा दीजिए, वो काम नहीं होना चाहिए। हमने तो यही सीखा है। अब बाकी पता नहीं बुरे करने वाले लोग हैं, पैसे छीन लेते हैं बेचारे कि तू एक काम कर, मैं तुझे एक्टर बना दूंगा। हाँ, तो 5,000 लिया, इतने लाख रुपए। हाँ, पाँच हज़ार से स्टार्ट है। हाँ, ऐसे झूलर बैठे हैं वहाँ पे फिल्म सिटी वगैरह में बाहर, कि यार तू 5,000 रुपए लिया, मैं तेरे को जो है एक्टर बना दूंगा कास्टिंग के नाम पे। हाँ, अब वो 5,000 से उसके औकात पता चल रही है कि 5,000 जो मांग रहा है वो क्या तुझे काम देगा। या तो ये होता है कि कोऑर्डिनेटर होता है कि तू काम कर ले, उसके बाद 10% मुझे दे दियो, ये अलग काम हो गया। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि या तो हिम्मत ना हारें और बेवकूफ़ ना बनाएं किसी को, बस वही है। सर, आप सीरियल्स भी आपने कर रखा है, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, और सेम आपने फुल में भी किए, तो क्या फ़र्क रहता है दोनों में, शूट करते समय या फिर सेट का क्या माहौल होता है? देखिए, पहले ना प्रेशर का फ़र्क होता है जी। सीरियल में टेलीकास्ट देना होता है, बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस डेली जुड़ी रहती है किसी शो से, कि मैंने कल अनुपमा में ये देखा था, आज क्या आएगा, तो वही तैयारी जैसे वो ऑडियंस कर रही होती है ना। जैसे आप देखते हैं घर में सास बहू वगैरह, इनका क्रेज रहता है, तो ये लोग देखते हैं कि कल क्या आएगा। ऐसी उन बेचारों के जो शूटिंग कर रहे होते हैं ना, जो लोग मेरे दोस्त भाई बंधु हैं, उनके अंदर रहता है कि यार ये फटाफट शूट करके भेजना है, वो टेलीकास्ट करना है, टेलीकास्ट होगा तो चीज़ें होंगी। और बीच में ये अभी कोविड की वजह से जो है ना, ये सब टेलीकास्ट फंसते थे, टाइमिंग अब 10 घंटे कर दिया था बीच में, फिर 12 घंटे किया शूटिंग वगैरह। और आपको पता है इंडिया में टीवी शोज़ का जो क्रेज़ है वो कितना ज़्यादा है। मैं आपको एक किस्सा बताऊँगा टीवी शोज़ को लेके, मैं हैरान था, मैं छोटा था, बल्कि मैं आपको अपना छोटे किस्सा बताऊंगा। मेरे कज़न थे, मेरे से काफ़ी बड़े थे, तो हम लोग एक, मेरे पापा ने कुछ काम बताया मेरे कज़न को कि वहाँ से चले जाना, तो उस बिल्डिंग के अंदर हम गए। तो बिल्डिंग में जैसे हम एंटर करते हैं ना, बिल्डिंग में हमने देखा एक पहली बार रो रही थी घर के बाहर बैठी हुई, फिर सेकेंड थर्ड पे गए तो एक बुढ़ा परेशान सा बैठा था। मेरे कज़न ने बोला, यार गौरव लगता है मोहल्ले में ना किसी की डेथ वगैरह हो गई है, क्या हो गया। हम आगे गए तो जिनके यहाँ जो काम था, बेसिकली वो उनका ना काम था कपड़े वपड़े का, कुछ वहाँ से लेना था, तो हम उनसे पूछा कि यार तुम्हारे मोहल्ले में कुछ हो गया कज़न ने, कि क्या हो गया। बोला मिहिर मर गया, मिहिर मर गया। मिहिर, हाँ ये करेक्टर था उस समय सास, क्योंकि सास भी होती है। हाँ, ये आपको दिल्ली की बात बता रहा हूँ, मिहिर मर गया। तो हम भी सोच गया मिहिर मर गया, मैं कहाँ, जवान लड़का था कि हाँ 28-30 साल का था, अभी शादी हुई थी तुलसी से उसकी। तुलसी से शादी हुई थी उसका क्लिक किया, मेरा दिमाग तब भी क्लिक नहीं किया। मैं कहा हुई होगी कोई तुलसी बोलती, मैं कहाँ आ गए यार, काम करो निकलो। तो साला कौन सा मीर, वो जो सीरियल में आता है कहाँ, अबे सालो तुम पागल वागल हो गया। तो अब टीवी शो जो है ना, पिक्चर से आपको लगता है थिएटर में आप सूर्यवंशी पिक्चर देखने जा रहे हो, यार जो सूर्यवंशी देखने जाता है ना उसके बाद वो अनुपमा ही देखता है घर आके। हाँ सही बात है, सूर्यवंशी 10 बार नहीं देख लेता। तो अगर टेक्निकली और ऑडियंस की सबसे बड़ी बात की जाए तो सीरियल है, बट फिल्म का एक अलग जोनर है। हम लोग बोलते हैं अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, सूर्यवंशी जाएंगे या राधे जैसी पिक्चर देखने जाएंगे, कोई बड़ी फिल्म देखने जाएंगे तो फैमिली के साथ जाते हैं कि हाँ यार जा रहे हैं। फिल्मों का अलग वो है, फिल्मों में प्रेशर अब हो गया है बड़े बड़े एक्टर की वजह से। अब जैसे सलमान भाई हैं, अक्षय कुमार हैं, वे लोग जो है फिल्म कम्प्लीट कर देते हैं इतने दिनों के अंदर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था कि फिल्म में आराम से शूटिंग चल रही है क्या है। अब तो जिस दिन पिक्चर राइटर से बात हुई तो पता लगा नीचे जाके उसने रिलीज डेट है ना, अरे दिवाली पे रिलीज कर रहा है, क्रिसमस पे रिलीज कर रहा है, बस काम चालू हो गया। तो अब भी वही मैंने कहा ना, स्ट्रगल अब सबके लिए स्ट्रगल हो गया है, एक्टर के लिए नहीं। मैंने पिछली वो की थी, अब उससे बेटर करूँगा। और मुझे जहाँ तक जो फ़र्क नज़र आता है ना, ये हो सकता है बहुत लोगों को बात बुरी लगे जो आपके देख रहे हो, सकता है अच्छी भी लगे, बॉलीवुड और टॉलीवुड में बहुत फ़र्क है जी। मैंने टॉलीवुड में कुछ थोड़ा बहुत मोटा काम नहीं किया, झूठ मैं बोलता नहीं, थोड़ा थोड़ा काम किया। मुझे वहाँ के एक्टर्स ना बॉलीवुड से 10 टाइम बेटर लगे हैं, एक्टर टेक्निकल टीम। क्यों लगे उसका रीज़न है, हमारे क्या है, हमारे ना सब टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, अरे कर लेंगे ना, अरे हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा क्या है, वो आ जाएगा ना, इतने बजे ही तो आएगा ना। लेकिन वहाँ पर एक्टर है ना सीरियस लेता है चीज़ों को, सिर्फ एक्टर नहीं लेता है, और एक्टर अपनी यूनिट को भी सीरियस लेता है कि मैं अगर काम ख़राब करूँगा, मैं लेट आया, मैं प्रॉब्लम हुई, मैंने टेंट्रम दिखाया अगर किसी को, तो उसमें मेरा आगे जाके नुकसान हो सकता है। अब आप बोलेंगे यार बाहुबली में इतना बड़ा एक्टर था प्रभास,
वो तो यार अगर वो जो चाहे कर सकता होगा ना, मतलब बाहुबली इतनी बड़ी फिल्म की उसने, बाहुबली तो चल गया इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लिए बड़ी फिल्म थी, बट टॉलीवुड में तो और भी फिल्में करते रहते हैं लोग, साहू आहू, तो यार वो परेशान करता होगा, अगर वो परेशान करता है तो कौन क्या कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं, वो परेशान नहीं करते। रजनी सर हैं, कमल हसन है, इतने प्रोफेशनल लोग हैं ये लोग, इनके साथ हम इन्हें देखते हैं ना छोटे छोटे, मैंने अभी कुछ ऐड वगैरह किए थे, तो एक टाइमिंग रहता है कि मैं 9 बजे की शिफ्ट में 9 बजे आऊँगा। अक्षय कुमार हैं, 9 बजे की शिफ्ट में 9 बजे 8:45 बजे पहुँच जाते हैं वो देखें। सनी देओल हैं, वो बहुत मतलब एक कहते ना कि काम को सीरियसली लेना, मैं ये अच्छा काम करूँगा ना इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे अच्छा काम मिलेगा दोबारा, मैं इसलिए अच्छा काम करूँगा जिसके लिए काम करूँगा उसका काम अच्छा बनेगा, वो भी आगे बढ़ेगा फिर मैं भी आगे बढ़ूँगा। तो ये वहाँ पर फ़र्क है, वहाँ यूनिट में कोई किसी से बदतमीजी नहीं करता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कोई किसी से कुछ बदतमीजी करे, कुछ अरे ना आप शूटिंग करनी चाहिए वहाँ जाके लड़ो, नहीं वहाँ को प्रॉब्लम हो रही है टॉलीवुड में तो वहाँ जाके देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, शूटिंग हो रही अच्छा ही प्रॉब्लम है, चलो प्रॉब्लम समझना मेन है जी बिल्कुल लोगों के लिए, तो वो जब आगे आते हैं तो पता लगता है। ये एक फ़र्क है ना, मुझे हमेशा, मैं इस फ़र्क के बारे में हमेशा बात करता हूँ सब लोगों से, आपसे तो ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ कैमरा भी या जितने मेरे टेक्नीशियन वो हेड हैं कोई भी हैं जूनियर आर्टिस्ट वगैरह सब हैं, सबसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि यार ये जो फ़र्क है ना ये ख़त्म होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी जो है ना अनप्रोफेशनल लोग नहीं होने चाहिए। अभी जो टीवी सीरियल्स हैं इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी मेरे को रात को हम लोग 1 बजे अपने घर पहुँचते हैं जी, तो इसलिए कि 4-5 घंटे आराम करके वापस सुबह फ्रेश शूटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक्ट्रेस होती है, परेशान करती है, रात को 2 बजे एक्ट्रेस बोलती है उसका शेड्यूल लगा हुआ अगले दिन कि मैं सुबह नहीं आ पाऊँगी, और रीज़न नहीं कि रीज़न कैसा होता है कि मेरे घर में कोई बीमार है, मैं बीमार हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, बस ईगो प्रॉब्लम, मैं क्यों नहीं आ पाऊँगी, आपको ये ईगो प्रॉब्लम करनी, शूट ख़त्म करके करो ना आप, शूटिंग ख़त्म करो उसके बाद आपके जो शॉर्ट आउट है प्रोड्यूसर से या किसी और आदमी से, मेरे से प्रॉब्लम है तो आप वो शॉर्ट आउट करो, लेकिन शूटिंग सफ़र मत करो, वो टेलीकास्ट है लेकिन करने मज़ा आता है। अब वही चीज़ हम रात को परेशान जब होते हैं तो डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं, हमारे डायरेक्टर राहुल मेवा वाला थे और अनिल दुबे, उनको फ़ोन करके हम बोलते हैं भाई वो एक्ट्रेस नहीं आ रही, अब वो परेशान, वो भी अपने घर में सोने गए हैं, कौन आदमी रात को रिलैक्स नहीं करना चाहता सुबह शूटिंग पर आने के लिए, 6 बजे घर से निकलेगा वो, तो वो फिर बोलते हैं यार अब इसका सूट या साड़ी पहन के किसी को ड्यूप को किसी जूनियर आर्टिस्ट को खड़ा करो, शूटिंग तो करनी है, रोक नहीं सकते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो काम से गद्दारी करते हैं और इसीलिए घर बैठते हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स के टीवी शो के ऐसे एक्टर हैं जिनके पास काम नहीं, क्योंकि वो एक शो नहीं, दो शो नहीं, तीन नहीं, वो 10-12 शो में लोगों को परेशान कर चुके हैं, इस परेशानी की वजह से मतलब फेमस हो जाते हैं ना, वो फेमस उस काम की वजह से होते हैं कि साला ये बता यार तो परेशान, अगर ले लिया तो क्या होगा, फिर सब लोग डिस्कस करते हैं टीम, प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर वगैरह, यार इसको लेते हैं तो वो बोलेंगे यार शुरू के 2-3 महीने तो शूटिंग सही रहेगी, बाद में देखना परेशान करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैंने जो भी शो किए हैं ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मेरे परेश भाई थे, सुमित, राजेंद्र गुप्ता थे, सुमित भाई थे, बहुत सारे एक्टर थे, देवीना, शिल्पा जी, शिल्पा शिंदे जिन्होंने बिग बॉस जीता था, जो बिग बॉस जीता पहले भाभी जी घर पर थे, हाँ हाँ बिग बॉस जीता था, इन्होंने बिग बॉस 13 या 12 जीता था ना, सिद्धार्थ से पहले वाला सीजन जो था, हाँ हाँ वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत प्योर हार्ट लोग हैं ये लोग, मतलब काम, अगर आप, मैं जब परेशान होता ना मैं इनको अपनी परेशानी बताता था, कई बार क्या होता था ना कि आप 12 घंटे शूटिंग कर लेते थे इन लोगों के साथ, लेकिन उसके बाद भी आपको इनसे काम चाहिए होता था कि नहीं आपका आज जो काम है 12 घंटे के बाद कम्प्लीट नहीं हुआ है, प्लीज़ शिल्पा जी या परेश भाई जो भी एक्टर है, तो ये लोग क्या बोलते थे, हाँ आप प्रॉब्लम में हैं हम आपके साथ हैं। तो कुछ एक्टर ऐसे भी हैं, ये शिल्पा शिंदे वगैरह, मतलब ये ऐसे एक्ट्रेस हैं जो मतलब आपके साथ खड़े रहते हैं जी हमेशा, मतलब आप कभी भी, अभी मैं उनको मैसेज कर दूँ ना कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत उनका रिप्लाई आएगा, अरे गौरव क्या बात है बताओ ऐसी। तो कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो आज घर ही बैठे हैं अपने कामों की वजह से। तो ये जो फ़र्क है ना लोगों का, ये ख़त्म होना चाहिए सबसे मेन बात। ये पब्लिक जो देखती है ना, पब्लिक क्या देखती है कि यार ये सीरियल मैंने देखा है बहुत अच्छा था, वो अंदर का नहीं जानती है ये लोग परेशान करते हैं, कितना ज़्यादा परेशान करते हैं, क्यों परेशान करते हैं, बिना वजह परेशान करते हैं। एक तो आदमी होता है मैं बीमार था यार मैं नहीं कर सकता था, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की परेशानी जान बूझ के परेशान करना, आज प्रोडक्शन हाउस के लिए एक्टरों को परेशान करना, आप देखते होंगे आप कब से सीरियल वगैरह देखते आ रहे हैं उसमें रिप्लेसमेंट होती रहती है, एक्ट्रेस की होती हैं या एक्टरों की होती है, इसलिए होती है क्योंकि परेशान करते हैं और बेवजह, जबकि उनकी मुंह मांगी उनको पर डे मिलता है, ऐसा नहीं कि अगर आपका शो चल रहा है बिल्कुल तो पैसे आपको क्यों नहीं मिलेंगे, आपके आप इतने छोटे एक्टर तो नहीं आपके पैसे प्रोड्यूसर कहा जाएगा, वो एजेंट प्रोड्यूसर कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी ये लोग परेशान करते हैं। ये है सारी दिक्कतें जिनसे हमें, मतलब जो लोग सुन रहे होंगे, हमें इन चीज़ों से रोज़ गुजरना पड़ता है,
परेशानियों से, तब जाके वो प्रोडक्ट आप जो एपिसोड देखते हो या फिल्म देखते हो, तो आपके सामने तो वो फिल्म एक बार में चलती है या शो चलते हैं, लेकिन उसके पीछे तो परेशानी है ना। एक टेक्निकली आदमी जानता है, एक्टर जानता है, सबके साथ तो परेशानी होती है, इस तरह की परेशानी होती है। तो सर आपके ये पॉइंट तो समझ में आ गया। प्रेम सर इसी पॉइंट पर अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप एक्टर रहे और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। मेरे लिए तो देखो एक्टिंग करना एक सपना सा था, वो सपना मेरा पूरा हो रहा है और पूरा भी हो चुका है। और गौरव जी बस ठीक कह रहे हैं, देखो अपना अपने काम को बड़े सच्चाई से और ईमानदारी से निभाना चाहिए। देखो हर किसी की, हम जब अपने साइड पर जाते हैं ना तो वो हमारी रोजी रोटी हो जाती है। बिल्कुल ऐसी रोजी रोटी हो जाती है कि हमें उससे ही कमाना, उससे ही खाना है, तो उससे धोखेबाजी करना हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए गौरव जी कह रहे हैं उनकी बात का मैं सहयोग करूँगा। और सही है कि कोई भी अगर आर्टिस्ट है तो उसे देखो ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। बतौर अगर कोई परेशानी है तो वो रियल में बोल देना चाहिए कि मेरे को ये परेशानी है, इस वजह से नहीं कर। तो गौरव सर और प्रेम सर आपसे बात कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमें भी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज निकला है। अगर पब्लिक देखेगी जो देख रही है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, और प्रेम सर को तो देख चुकी है। और कैमरे के सामने ही प्रॉमिस करवाऊंगा कि आप अपने मामा से मिलवाएंगे मेरे को, मनोज शर्मा जी से, और आप भी अपने मामा से मिलवाएंगे क्योंकि आप दोनों के मामा हो, और बहुत जल्द हमारे चैनल पर आएंगे। मामा जी का तो देखो उनका उनके साथ भी मेरे को काम करके इतना बढ़िया लगा है, और मैंने उनके साथ जो काम किया है, जो जो जैसे गौरव से मेरे को जो शिक्षा मिली है वो वैसे ही मेरे को मामा जी से शिक्षा मिली है। और उनकी उनकी फिल्मों में मैंने काम किया है, और आगे भी मैं शायद उनके साथ में भी काम करने की मेरी इच्छा है और करता रहूँगा। जैसे गौरव जी के साथ में करूँगा मैं काम या करता रहूँगा आगे, तो मेरे भी उनके साथ में इच्छा है कि मैं काम करता हूँ। तो सर मेरा चैनल है फिल्मी चार्ट, इसमें हम आर्टिस्टिक लोगों को लाते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड के लोगों को लाते हैं, तो जितने लोग शायद देख रहे होंगे इसी फील्ड से होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोई काम मुश्किल तो नहीं होता है, आसान भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप शिद्दत से करेंगे, उसके पीछे लगे रहेंगे, वो काम ज़रूर होगा। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। जैसे बहुत सारे एक्टर हैं वो आते हैं मुंबई वगैरह, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिनको बनना होता है ना वो थोड़े टाइम रह के किसी भी तरीके से, मैंने ऐसे एक्टर देखे हैं वहाँ जॉब भी करते हैं एक्टिंग भी करते हैं। तो आप उस सच्चाई के पीछे वो मत करिए, आप आइए और दिल से काम करिए जो भी करना चाहते हैं। प्रेम सर आप भी कुछ कहिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर लगन है और एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो जिस लाइन को पकड़े हुए हैं उसे छोड़िए मत, ही दिल और जान से पकड़े रहिए, और ऊपर वाले से अपनी यानी कि दुआ मनाइए कि जल्द से जल्द आप यानी उस काम में कामयाब हो जाएं। और जब आप एक ठान लोगे कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है या एक डायरेक्टर बनना है, तो वो बंदा बन के रहता है। जैसे मैंने ठान लिया था कि मैं एक आर्टिस्ट बन के रहूँगा, तो मैंने अपनी यानी कोशिशों को पूरा कर रहा हूँ और आर्टिस्ट एक बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे गौरव शर्मा सर, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहे हैं, और बता रहे कि कुछ समय बाद डायरेक्टर भी जरूर बनेंगे जब उनका मौका लगेगा। और ये प्रेम शर्मा सर, ये तो फेमस है, आप सब जानते हैं पहले से ही। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज बात करके। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू के साथ, जब तक के लिए सुनो।